हाय, हेलो एवरीवन. सो आई एम डॉक्टर सुप्रिया, पीडियाट्रिशियन. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों के लिए आपको टॉयज़ कैसे खरीदने चाहिए. जब आप टॉयज़ खरीदें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो भी टॉयज़ हमें अच्छे लगते हैं वो हम खरीद लेते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम खरीदते वक्त. बाद में काफ़ी टॉयज़ जो है अब हमें जब यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा टॉयज़ बच्चे के लिए अच्छा नहीं है. तो इसीलिए आप टॉयज़ खरीदते वक्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब आप छोटे बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, बिलो 3-4 ईयर्स, यू नो. और इनफैक्ट बड़े बच्चों में भी आपको हमेशा एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ ही खरीदने चाहिए. तो सबसे पहले आता है जो है आपको एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ खरीदना है बच्चे के लिए. हर टॉयज़ के ऊपर जो है, खिलौनों के ऊपर लिखा रहता है कि ये जो है इस एज से लेके इस एज तक आप खेल सकते हैं बच्चे. और जो है उसकी जो मिनिमम डायमीटर, स्पेशली ये वीडियो जो है छोटे बच्चों के लिए है जो कि यूजुअली 3-4 ईयर्स से बिलो बच्चे, क्योंकि उनमें जो है चोकिंग का रिस्क या फिर बाकी कुछ और भी चीज, बच्चे जो रहते हैं खाते रहते हैं या फिर अपने चोट लगा लेते हैं. तो ये उस वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. तो उसके अलावा क्या है, बच्चे का जो खिलौना है वो जो है एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए और 6 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए. देन सेकेंड इज कि आप जो टॉयज खरीद रहे हैं आप ध्यान रखिए कि उसमें बहुत ही छोटा पार्ट्स ना हो. काफ़ी खिलौने आते हैं उसमें जस्ट लाइक इतना छोटा सा कुछ होगा, गोल टाइप, स्पेशली सर्कल्स रहते हैं, काफ़ी रहते हैं, मैग्नेट्स रहते हैं, बहुत ही सारे टॉयज आते हैं. तो आपको वो सारे टॉयज नहीं लेना है, या फिर जो बहुत ही इजीली टूट जाए आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि बच्चे जो हैं बहुत ही इजी उसको खा जाएं. देन कोई भी खिलौना जिसमें किस कुछ शार्प एजेस हों वो नहीं लेना है, या फिर जो है कुछ खिलौने रहते हैं कि बच्चे अपनी उंगली फंसा लेते हैं बीच में. वैसे भी खिलौनों हो सकता है कि आपकी उंगली ना जाए, बट बच्चे की उंगली इतनी छोटी सी होती है कि बच्चे के उसमें उंगली फंस सकती है. तो वैसे टॉयज आपको ध्यान रखना है. बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप उसको खेलने के लिए सिक्के वगैरह या मार्बल्स की जो छोटे छोटे गोले आते हैं, या बहुत ही छोटे साइज के बॉल्स जो हैं वो सब मत दीजिए. या फिर जैसे काफ़ी खिलौनों के क्या रहते हैं, व्हील्स वगैरह जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, स्पेशली आजकल वो जो आते हैं आपको ब्लॉक्स वगैरह लगाने के लिए, उसमें भी व्हील्स आने लगे हैं, वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं. तो आप वो सब मत दीजिए. एटलीस्ट जो उनका साइज है 4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. देन वॉकर्स आर नॉट रिकमेंडेड. हम लोग अभी वॉकर्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्यों क्यों नहीं देना चाहिए. तो वॉकर्स जो है आपको नहीं देना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. देन उसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है कि कुछ खिलौनों में क्या है, जैसे जो बच्चे पुल अलोंग टॉयज रहते हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग्स है आप ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा लेके घूम रहा है तो उसकी रस्सी इतनी ज़्यादा लंबा ना हो कि बच्चा उसमें फंस के गिर जाए. 18 सेंटीमीटर, अप टू 18 सेंटीमीटर इज ओके कि बच्चा आराम से उसको चला ले. और जब भी आप दे रहे हैं ऐसे टॉयज तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आप ऐसे. और क्या रहता है कि कुछ खिलौनों का जर रहता है, खिलौने तो बड़े हैं लेकिन उसके पीछे जो है उसका कुछ हैंडल लगा हुआ है वो बहुत ही पतला सा है या छोटा सा है, तो वो बच्चे काफ़ी अंदर मुंह में डाल सकते हैं. तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो इतना ज़्यादा नैरो या इतना छोटा ना हो कि वो बच्चा पूरा अंदर मुंह में डाल ले. देन आप खिलौना इतना बड़ा भी मत लीजिए कि बच्चा ठीक से खेल ना पाए. तो ये था सेकंड. देन थर्ड आता है सॉफ्ट टॉयज के बारे में. तो सॉफ्ट टॉयज जो है बच्चों को यूजुअली काफ़ी पसंद होते हैं. आपको ध्यान रखना है आप ऐसे सॉफ्ट टॉयज लें जिसमें जो है स्पेशली एक तो जो इजीली वॉशेबल हो. काफ़ी जो पहले आते थे फर वाले, तो वो क्या रहते हैं उसमें, उन सॉफ्ट टॉयज में डस्ट बहुत ही जल्दी जमा हो जाती है, तो उससे बच्चों को धूल, एलर्जी, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है. स्पेशली अगर कोई अस्थमा वाला या एलर्जी वाला बच्चा है तो उसको तो सॉफ्ट टॉयज से आप दूर ही रखिए तो अच्छा है. अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए. तो इसीलिए सॉफ्ट टॉयज आप ऐसे लीजिए जो आप हमेशा फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकते हैं. और ध्यान रखिए कि उन सॉफ्ट टॉयज में जो है काफ़ी जो पहले सॉफ्ट टॉयज आते थे उसमें क्या रहता था कि आँखें जो है बटन्स वगैरह लगे रहते थे और मुंह भी नाक भी ऐसे लगा रहता था अलग से. तो वो वाले बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि क्या रहता है कभी कभी बच्चे उसको खींच खींच के उसको भी खा सकते हैं.
तो आजकल जो सॉफ्ट टॉयज आते हैं उसमें क्या रहता है, वो स्टिचेस सिले हुए रहते हैं या फिर पेंट से बने रहते हैं, जिसी भी चीज़ से बने रहते हैं, बट बटन्स और ये सब नहीं आता है, जिससे कि चोकिंग का रिस्क कम हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए सॉफ्ट टॉयज लेते वक्त। देन नेक्स्ट डे इसके ऐसे खिलौने लीजिए जो बहुत ही जल्दी आग ना पकड़े। मीन्स कुछ खिलौने ऐसे भी आते हैं जिस पे लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो आप ऐसे खिलौने अवॉइड करिए जो कि इनफ्लेमेबल या जो बहुत ही जल्दी आग पक। देन बच्चों को पेंटिंग और ये सब काफ़ी पसंद आता है, तो जो आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आर्ट कलर या फिर जो क्ले यूज़ कर रहे हैं, क्ले से भी बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो पेंट ये सब आप यूज़ करिए, लेकिन उस पर पहले पढ़ लीजिए कि वो बच्चे के लिए सेफ है या नहीं है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, लेड फ्री होना चाहिए। तो आप वो एक बार पूरा खरीदते वक्त चेक करिए कि ये नॉन टॉक्सिक है या नहीं, क्योंकि काफ़ी कलर्स क्या रहते हैं, एडल्ट्स वाले आते हैं तो वो अलग रहता है, और जो बच्चे के लिए आते हैं वो अलग आते हैं। तो आप खरीदते वक्त एक बार ज़रूर चेक करिए। देन उसके अलावा नेक्स्ट इज़ कि आप जब भी बच्चे के लिए खिलौने खरीदते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के खरीदें, क्योंकि कभी 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 क्या होता है कि जब हमने खरीदा तब तो वो अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो है वो खिलौने बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। और अगर इन केस आपको लग रहा है कि खिलौना टूट रहा है या उसका कुछ पार्ट जो है टूट गया है उसके अंदर, स्पेशली जो रेटल्स वगैरह होते हैं अगर कहीं से टूट रहे हो, तो उसके अंदर जो रहता है काफ़ी गोल गोल कुछ रहता है जिससे बचेगा, तो वो आपको इमिडिएटली फेंक देना है, उस खिलौने को बिल्कुल भी मत रखिए। इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करेंगे तो ऐसे ये सब जो है रिस्क कम रहेगा। और खिलौनों में जो है, काफ़ी खिलौनों में रबड़ वगैरह होती है जिसको क्या है बच्चे चबाने लगते हैं, तो वो भी बच्चे के अंदर जा सकती है, तो वो ऐसा ध्यान रखिए कि उस खिलौने में कुछ ऐसा रबड़ या कुछ ऐसा टूटने वाला पार्ट ना हो। देन आप बैटरी वाले जो भी टॉयज लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो है स्क्रू जरूर होना चाहिए जहाँ पे आप बैटरी डालते हैं, अदरवाइज बच्चा वो भी खोल सकता है और बैटरी भी मुंह में डालेगा, तो वो भी काफ़ी डेंजरस है। देन उसके अलावा जो है नेक्स्ट इज के जो बटन बैटरी वाले टॉयज आते हैं, बहुत ही छोटे टॉयज आते हैं, या फिर लोगों की घड़ियों में बटन बैटरी और ये सब होती है, तो वो टॉयज आपको या वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी दूर रखनी है। इनफैक्ट वो हमने सिर्फ 2-3 साल के बच्चों में नहीं, बड़े 6-7-8 साल के बच्चों में भी हमने देखा है केसेस आते हैं जो कि वो बटन बैटरी जो है, छोटी सी बैटरी, वो खा के आ जाते हैं। तो वो बटन बैटरी तो आपको बच्चों से बहुत ही दूर रखनी है। नेक्स्ट इज के जो बच्चों के खिलौने हैं, आपको ध्यान रखना है कि उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ ना हो। कुछ कुछ टॉयज आते हैं जिनकी आवाज़ कार के हॉर्न के जितने साउंड की होती है, तो वो सारे अवॉइड करने हैं आपको, अदरवाइज जो है वो बच्चों के ईयर को भी डैमेज कर सकता है। देन नेक्स्ट इज के बच्चों के लिए आपको इलेक्ट्रिक टॉयज़ यूज़ नहीं करने हैं, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। और अगर आप बहुत ही पुराने टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक बड़े बच्चे के रखे हुए थे या फिर घर में किसी और के बहुत ही पुराने टॉयज़ रखे हुए हैं, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक तो वो काफ़ी टाइम से रखे रखे हो सकता है कि वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, या फिर क्या होता है बहुत पहले के जो टॉयज़ आते थे वो ऐसे BPA फ्री और ये सब नहीं रहते थे, तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज के मैग्नेट वाले जो टॉयज़ आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें बहुत ही छोटे साइज़ की मैग्नेट्स वाले आप यूज़ ना करें, बड़े साइज़ की जो मैग्नेट्स आती हैं जो कि बच्चे ना खा पाएँ वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस में देखा गया है कि बच्चे 2 मैग्नेट्स खा के आ जाते हैं, तो उसके बाद वो दोनों मैग्नेट जो है इनफैक्ट बच्चे के अंदर चिपक जाती है, इंटेस्टाइन को डैमेज करती है, इंटेस्टाइन रप्चर करा सकती है, इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन करा सकती है, बहुत ही डेंजरस हो सकती है। तो जो भी मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हैं वो छोटे साइज़ की मैग्नेट बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, बड़े साइज़ के मैग्नेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो राइडिंग टॉयज़ हैं नेक्स्ट डेज, तो जैसे बच्चे जो है गाड़ी वगैरह या रॉकिंग हॉर्स ये सब आते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उसमें ऐसा रहे कि वो बच्चा साइड से गिरे ना, या फिर क्या है अगर वो टूट रहा है या फिर जैसे लकड़ी का है वो बेकार हो रही है, तो आप उसको मत यूज़ कर। देन अगर आपका कोई भी टॉयज टूट रहा है या स्पेशली जिससे चॉकिंग का हजार्ड या फिर जो है बहुत ही ज़्यादा चोट लगने का डर है, वो आपको इमिडिएटली, अगर कोई भी खिलौना टूटा हुआ है या बेकार हो रहा है, तो वो आपको इमिडिएटली फेंक देना है या यूज़ मत करिए उसको। देन उसके बाद क्या है, बच्चे के जो खिलौने आपने लिए हैं उसको साफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप बच्चे के जो टॉयज़ हैं आप पढ़ सकते हैं, यूजुअली जो मैनुअल आती है
तो टॉयज धोने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको कुछ भी अच्छे से डिटर्जेंट में या सोप में अच्छे से थोड़ी देर सोख करके रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा से गुनगुने पानी में अच्छे से धो सकते हैं और बेस्ट रहेगा कि उसके बाद अगर आप सन ड्राई कर लें। अदरवाइज बच्चों के टॉयज जो हैं फ्रीक्वेंटली, स्पेशली जो छोटे बच्चे जब मुंह में डालते हैं, तो वो तो जो है आपको फ्रीक्वेंटली वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। देन उसके बाद आपको क्या क्या और चीज़ें नहीं देना चाहिए, तो वो है माचिस आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, या फिर जो कोई भी फायरवर्क्स वाले जो चीज़ें रहती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, या फिर बैलून्स, बैलून से भी हमने देखा हुआ है क्योंकि क्या रहता है बच्चे, छोटे बच्चों को तो स्पेशली बैलून्स बहुत पसंद आते हैं, वो लेके स्पेशली कभी मुंह में डाल दे और वो फूट जाता है तो वो बच्चे के अंदर ही चिपक जाता है। तो जब भी आप छोटे बच्चे को बैलून्स दे रहे हैं, 8 साल से छोटे बच्चे को स्पेशली, आपको जो है अपने सुपरविजन में ही देना है, या फिर बेटर रहेगा कि बैलून्स की जगह वो वाले लेटेक्स वाले जो बैलून्स आने लगे हैं आजकल, या इनफैक्ट काफ़ी सारे बॉल्स और टॉयज भी आते हैं उसके, जो कि एटलीस्ट रप्चर होने का डर नहीं रहेगा, तो वो धीरे धीरे उसकी गैस निकलती है, तो वो आप दे सकते हैं, वो सेफ है। और उससे क्या रहेगा कि एक तो अचानक से बैलून्स फूटते हैं तो स्पेशली बहुत छोटे बच्चे का आवाज़ भी बहुत लाउड रहेगी तो डर भी सकते हैं, और इवन ईयर डैमेज का भी रिस्क रहता है। तो ये सारा चीज़ें आपको नहीं देना चाहिए, या फिर काफ़ी सीजर्स वगैरह काफ़ी लोग क्या करते हैं, 2-3 साल के बच्चे को ही आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने लग जाते हैं और उसको काफ़ी जो सीजर्स हैं वो दे देते हैं। तो आपको बच्चे के लिए या तो आप कोई ऐसी सीजर्स यूज़ करिए जो कि शार्प ना हो, या फिर आप मत दीजिए, वो बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा जिसके भी छोटे बच्चे हैं, कि आप पता किसी को ये हेल्प कर जाए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।